कोरोना संक्रमण को लेकर अपने विचारों को सकारात्मक रखकर ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। कोविड के संक्रमण से उबर कर आए पंचकूला के कुछ लोगों ने बातचीत में बताया कि दृढ़ विश्वास, मन की एकाग्रता, योग तथा पुस्तकों इत्यादि के पाठन के कारण वे इस बीमारी को मात दे पाए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर सबसे पहले उन्होंने स्वयं को परिवार के लोगों से पृथक रखा। इसके साथ ही उन्होंने नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखी और ऑक्सीजन लेवल को स्थिर रखने के लिए प्राणायाम और योग को अपनाया और जड़ी बूटी युक्त काढ़ा व हर्बल दवाओं आदि का भी उपयोग किया। कोरोना से ठीक होने वाले व्यक्तियों ने बताया कि संक्रमित पाए जाने पर हमें संयम बनाए रखना चाहिए और चिकित्सकों के परामर्श अनुसार इलाज जारी रखना चाहिए। हम लोगों ने भाप ज़्यादा ली है, स्टीम वगैरह हमेशा, और बाकी मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने बहुत हेल्प की है हम लोगों की। जैसे ही मैं फ़ोन करती थी, कुछ भी मंगवाना हो बाहर का आइटम, वो मेन डोर पे रख जाते थे। और बाकी बॉयल्ड खाना, भाप, स्टीम वगैरह, जो गवर्नमेंट ने भी मेरे काफ़ी हेल्प की है, घर पर आए हैं, देखने के लिए भी आए। 4 तारीख को मेरे को, मतलब मैंने कोरोना COVID-19 टेस्ट करवाया, 5 को रिपोर्ट आई, पॉजिटिव मिला। बट मैंने उसको मतलब है सपोर्टिव वे में लिया। मैंने इवन मतलब है फैमिली मेम्बर्स भी पॉजिटिव आए थे, उनको बोला कि बिल्कुल मतलब है भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मतलब उसी समय से हमने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया और अलग अलग कमरे में रहने लगे, बाथरूम भी अलग अलग। मतलब है इवन 6 तारीख को ऐसा लगा कि मेरे को सूखी खांसी हो रही है, तो क्योंकि कोरोना फैला हुआ है तो मैंने सोचा फटाफट इसका टेस्ट कराया जाए। तो मैंने 7 तारीख को इसका टेस्ट कराया और एक नॉर्मल मैंने हल्का सा फीवर हुआ, मैंने पैरासीटामोल वगैरह स्टार्ट कर दिया। 9 को मेरा रिपोर्ट आ गया जो पॉजिटिव आया। मैंने फटाफट ट्रीटमेंट अपना शुरू किया, खुद को आइसोलेट किया, बच्चों को अलग कमरे में, वाइफ को अलग कमरे में, सारे